सारे भैया ने राम राम भाई, मैं हूँ अजय सारण और आज आया हूँ मैं राजस्थान के जैसलमेर में। यहाँ पे गांव है भनियाना, ये अपने सारणों गांव है। यहाँ से शेषाजी के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया गया मिलन समारोह सारणों का। तो ये छतरी है, चलो आपको मैं नज़दीक से छतरी दिखाता हूँ शेषाजी महाराज की। ये देखिए, ये वो छतरी है। चलिए ऊपर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको छतरी। ये वो छतरी है शेषाजी सारण की। और ये जोड़ है तालाब, बहुत साफ पानी इस तालाब का। और ये जो छतरी है इसमें 13 स्तंभ हैं। 13 स्तंभ शेषाजी के 13 पुत्र थे, उन 13 पुत्रों के प्रतीक हैं 13 स्तंभ। और सभी स्तंभ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है प्रत्येक पुत्र का। ये बताते हैं उन्हीं से वंश आगे बढ़ा था। और यहाँ पे अपने गणमान्य लोग हैं जो विचार विमर्श कर रहे हैं। थोड़े समय में यहाँ हवन होगा। ये देखिए, बहुत ही भव्य और शानदार छतरी बनाई गई है। ये देखिए, और ये वो जोड़ है, बहुत ही सुंदर स्वच्छ पानी है इसका। सुंदर तालाब है और स्वच्छ पानी है और बहुत बड़ा है, 3 किलोमीटर तक बताते हैं। आसपास में सबसे साफ पानी की झील यही है, या तालाब या जोड़ कह लीजिए, यही है वो। और ये देखिए, ये 3 किलोमीटर तक फैला हुआ और इसका लगभग आप देखेंगे तो दूर तक वहाँ तक इसका मतलब है जोर। और ये अपना, मैं आपको दिखा दूँ, टेंट लगा हुआ है, इसमें आयोजन किया गया है बैठने का। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मार्बल से बना हुआ है ये मंदिर पूरा। ये हवन चल रहा है अपना, इसमें सभी अपने आए हुए गणमान्य लोग हैं, अपने परिवार के, सारण परिवार के, अपने खाप के, दूर दराज से आए हुए, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, ये गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जो बीच में हाथ कर रहे हैं ये अपने वीरेंद्र सारणी जी रोहतक से। और जो यहाँ के आयोजन करता है वो है जो लाल पीली पगड़ी में खड़े हुए हैं, ये हैं जोगाराम जी। और इनके जस्ट बगल में खड़े हुए हैं पेंट कमीज में, ये हैं थाना राम जी। बाकी मैं आपको दिखा दूँ, ये है मंदिर, थाना राम जी हैं, ये हमें मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये मंदिर बजरंगबली जी का है और ये मंदिर है देवी का, दुर्गा माता का। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, ये थाना राम जी हैं, ये हमारे साथ हैं। बहुत प्राचीन मंदिर हैं, लगभग 500-600 साल पुराने मंदिर हैं ये। ये देवी का मंदिर है, दुर्गा माता का। और इसी में शेषाजी सारण जो थे वो मतलब तप किया करते थे। ये देखिए, ये भी उतनी ही प्राचीन मूर्तियां हैं देवी की, दुर्गा माता की। ये सिंगार हो रहा है इनका। और पूरा मंदिर ये मार्बल से बना हुआ है। ये देखिए, सिंगार हो रहा है माता का। और ये प्रांगण है मंदिर का। ये देखिए, निर्माण यह चलता रहता है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है बजरंगबली जी का मंदिर, इसमें मूर्ति स्थापित नहीं की गई है अभी, तो ये भी बहुत जल्द हो जाएगी। वीडियो की आवाज़ चली गई थी एडिटिंग में, तो उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए, ये मंदिर है। और ये थाना राम जी, इसके अंदर ही एक छोटा सा म्यूजियम सा बनाया हुआ है उनकी याद के तौर पे। मतलब कोई अभी कुछ समय पहले यहाँ संत हुआ करते थे, वो गुजरे हैं, उनकी याद में ये छोटा सा एक म्यूजियम बनाया गया है, उनकी कुछ याद की चीज़ें रखी गई हैं इसमें। ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखा दूँ खाने पीने की व्यवस्था और हमारे जहाँ पे सभा हो रही है वो सभा दिखा दूँ। ये देखिए,
बहुत ही दूरदराज से अपने आए हुए थे भाई बंधु, और इसमें नारी शक्ति का भी योगदान था। ये नारी भी आई हुई थी, मतलब अपनी बहन बेटी कह लीजिए या माँ बेटी कह लीजिए या कोई भी, तो अपनी नारी शक्ति इसमें थी। और ये देखिए खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी यहाँ पे, मतलब बैठने की व्यवस्था की गई है अंदर बाहर बरामदे में भी और अंदर कमरों में भी। ये देखिए मैं अंदर का भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे खाना बनाने की व्यवस्था है वो आपको दिखा दूँ मैं, ये भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई खाना पीना बनाने की भी। ये देखिए साफ़ सुथरा है यहाँ पे सब कुछ, ये देखिए बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है खाने पीने का। ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यवहार और इंतजाम। ये देखिए ये जहाँ पे सभा हो रही अपनी, छत पे से दिखा दूँ आपको मैं कैसा नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए ये हमारा वो तालाब है और ये छतरी है और ये प्राचीन मंदिर है दोनों। और मैं आपको दिखा दूँ नीचे सभा चल रही है, ये देखिए जहाँ भोजन ग्रहण किया जा रहा है उसी की छत पे खड़े होके वीडियो शूट किया जा रहा है। और मैं आपको चारों तरफ का ये नज़ारा दिखा दूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये देखिए। और ये इस तरफ में आप देख रहे हैं ये भणियाना गांव है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब मैं आपको मिलवा देता हूँ जो हमारे दूरदराज से आए हुए हैं सारण परिवार के मुख्य अतिथि, उनसे मिलवा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ, ये यूपी से आए हुए हैं, यूपी प्रधान है हमारे सारण परिवार के, मास्टर विजयपाल जी जो चश्मा में, और जो इनके बगल में खड़े हैं पुष्पेंद्र सारण जी हैं, ये वकील हैं। और ये बलवीय सारण जी हैं जो रामदेवरा में धर्मशाला है उसमें इन्होंने 15.5 लाख रुपये दान किए हैं, इनका नाम वहाँ पे टॉप पे है दानकर्ताओं में, बहुत ही सज्जन पुरुष। और अब मैं आपको मिलवा देता हूँ, पंजाब से आए हुए हैं ये PhD मास्टर सॉरी डॉक्टर साहब, और इंद्रपाल सारण जी इनका नाम है। तो ये इनके साथ में एक और सज्जन आए हुए थे बनवारी लाल जी, वो उनका मैं इंटरव्यू ले नहीं पाया हूँ। और मैं आपको मिलवाता हूँ अपने सारण परिवार के लिए बहुत ही गौरव की बात है, ये हैं इनका नाम मुझे ध्यान नहीं है लेकिन ये शौर्य चक्र विजेता हैं, राष्ट्रपति द्वारा इनको शौर्य चक्र मिला हुआ है। इनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, किसी भाई को ध्यान हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, और आवाज़ नहीं रही इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद।